सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। यकीन मानिए, बिना करियर के ना कोई इज्जत है और ना ही सुख, इसलिए मेहनत कीजिए और करियर बनाइए। उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती, जल्दबाजी में हम लोग ही उसे छोड़ देते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। आज का पंचांग 1 फरवरी 2021 दिन सोमवार, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम 6:25 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र रात्रि 11:56 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:33 से 9:55 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 2:12:18 से 1:02 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। कर्क राशि 1 फरवरी 2021 दिन सोमवार, आप अभी धन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, नई शुरुआत और अवसर आपके सामने हैं। हालांकि उनको खोजने के लिए आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। अपने परिवार के प्रति सावधान रहें, क्योंकि किसी प्रियजन को नुकसान या हानि से गुजरना पड़ सकता है। आज अचानक आया फोन कॉल या ईमेल आपके पूरे दिन को बदल देगा। किसी भी बंधन या साझेदारी से पहले भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखें। किसी खास महिला मित्र से रिश्ता सुधरेगा। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। इस समय बहुत ही गंभीरता और सोच विचार कर निर्णय लेने की आवश्यकता है। हालांकि आप अपनी प्रतिभा व योग्यता द्वारा अपने कार्यों को पूरी गंभीरता और संजीदगी से अंजाम देंगे। अचानक ही किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी तथा आपसे मेलजोल हार्दिक खुशी देगा। किसी विशेष विषय पर नॉलेज लेने में भी रुचि रहेगी। जिस काम के लिए आपने अन्य जरूरी बातों को नजरअंदाज किया था वह बिगड़ सकता है। अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होने से दुख का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको मिल रहे नए अवसर के प्रति भी आपका ध्यान जाएगा। सावधानियां, कुछ उलझे हुए मामले अभी बरकरार रहेंगे। दिल की बजाय दिमाग की आवाज सुने। हालांकि कुछ विरोधी लोग आपके लिए परेशानियां खड़ी करेंगे, परंतु उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। वाद विवाद की कोई स्थिति बनने पर अपना संयम ना खोएं तथा शांति पूर्ण तरीके से परिस्थितियों का सामना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। दोनों के समझदारी और सूझबूझ से आपकी प्यार की गाड़ी बिना ब्रेक के दौड़ रही है। इसे ऐसे ही बनाए रखने के लिए कोई भी अवसर गवाए बिना अपने जीवन साथी को पैम्पर करते रहें। अभी छोटे भाई बहन और चचेरे भाई से मिलकर आप आनंदित महसूस करेंगे। अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए अपने साथी के साथ आज कुछ समय बिताएं। अगर रिश्ता नया है तो इसे सोच समझकर आगे बढ़ें। घर पर ही अपने पार्टनर का मनपसंद पकवान बनाकर या अपने दिलबर के पसंद बिना गानों को गुनगुनाकर उसका दिल जीता जा सकता है। बात करते हैं करियर की। लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया, आयोजित भुगतान या धन का घाटा आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन जीवन साथी के सहयोग से आप इस चरण में सफलता पाएंगे। कोई छोटी यात्रा आपको नई सीख देगी। आज का दिन आशा से भरपूर है जो आपके लिए उत्पादकता, सफलता और समय की स्वतंत्रता लेकर आया है। रचनात्मक व्यवसाय वाले लोग आज के दिन का खास आनंद उठाएंगे। अपने कार्य स्थल में एक प्रतिष्ठित स्थान पाने के लिए आपको नए तरीकों के बारे में सोचना होगा।
बात करते हैं सेहत की। अस्वैच्छिक चीजों के लिए परेशान रहेंगे। समय पर आपका वश नहीं है, परंतु आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए अच्छी आदत डालें और हर समय खुश रहने की कोशिश करें। आप जीवन के हर मोड़ पर लुफ्ता उठाएंगे। अपने सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, आज जब शंकर भगवान जी के समक्ष दीपक जलाएं शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।